हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनवृ दीतिमन। केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षक भर्ती का एक और नया विज्ञापन जारी हो चुका है। वैकेंसी यहां पर प्री प्राइमरी टीचर्स की निकाली गई है, पीआरटी की है, टीजीटी और पीजीटी के है, यानी बीएड, बीटीसी, बीएसटीसी, एसटीसी स्टूडेंट जो है, डीलेड स्टूडेंट और इसके अलावा एनटीटी, सभी जो है यहाँ पर एप्लीकेशन कर पाएंगे। बिना परीक्षा यहाँ पर शिक्षक बन सकते हैं। कोई आप लोगों का एग्जाम नहीं होगा, ना ही एप्लीकेशन के समय कोई फीस लगने वाली है। सभी राज्यों के कैंडिडेट यहां पर अलाउ रहेंगे। तो चलिए नोटिफिकेशन देख लेते हैं। केंद्रीय विद्यालय फतेहगढ़ साहिब से विज्ञापन जारी हुआ है और अनाउंसमेंट सेक्शन में आप लोगों को चार नई अपडेट नजर आएंगी। ठीक है, तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। अनाउंसमेंट सेक्शन में विज्ञापन शिक्षकों की भर्ती, तो एडवर्टीजमेंट है यहाँ पर। विभिन्न पदों के लिए पात्रता मानदंड, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है सभी पोस्ट के लिए, वो हम चेक करेंगे। विभिन्न पदों के लिए आवेदन पत्र, सभी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अलग अलग रहने वाला है। विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, ठीक है, तो आप लोगों को सारी चीजें जो है यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये देखिए, एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पर पीजीटी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और हिंदी, इसकी पोस्ट निकाली गई है पीजीटी में। तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट इन कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड बीएड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप लोगों को इन सब्जेक्ट में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और हिंदी, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ और साथ में बीएड कंपलसरी यहाँ पर रहने वाला है। सैलरी 27,500 यहाँ पर मिलेगी। तो केंद्रीय विद्यालय में 26,500 जो है वो पीजीटी के जो टीचर्स हैं उनको दी जा रही थी, बट यहाँ पर 27,500 जो है पर मंथ आपको मिलेगी। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए 50% मार्क्स के साथ में, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस में, डिग्री या डिप्लोमा दोनों ही जो है वो एलिजिबल यहाँ पर रहते हैं। बीएड जो है वो कंप्यूटर साइंस में नहीं मांगा जाता। 27,500 जो है यहाँ पर कंप्यूटर साइंस टीचर्स को मिलेंगे। टीजीटी में यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ठीक है, इसके अलावा मैथ की भी वैकेंसी है, सोशल साइंस की भी वैकेंसी है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ और सोशल साइंस, इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है वो आप देखें, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के लिए तो यहाँ 50% जो है वो अंकों के साथ इन सब्जेक्ट में, ठीक है, चाहे आप हिंदी के लिए एप्लीकेशन करना चाहें, इंग्लिश के लिए या संस्कृत के लिए, तो आप इनमें जो है जिस भी सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में 50% अंक आपके होने चाहिए इस सब्जेक्ट में। साथ में बीएड कंपलसरी है और सी टेट पेपर 2 जो है वो आप लोगों का क्लियर होना चाहिए 6th to 8th का। 26,250 यहाँ टीजीटी टीचर्स को मिल रहे हैं। मैथ्स के लिए इन्होंने कहा है कि ग्रेजुएशन इन मैथ्स विद एनी 2 सब्जेक्ट, आप लोगों ने ग्रेजुएशन में मैथ ली हो और साथ में 2 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट एंड इन एग्रीगेट एंड बीएड, ठीक है, बीएड भी जो है यहाँ पर चाहिए यदि आप टीजीटी मैथ के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं और सीटेट पेपर 2। टीजीटी सोशल साइंस में हमेशा की तरह यहाँ पर भी जो है वही कहा गया है कि ग्रेजुएशन इन एनी 2 सब्जेक्ट, इन 2 सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन की हो, 3 साल पढ़े हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इसमें से हिस्ट्री या ज्योग्राफी 1 सब्जेक्ट तो कंपलसरी ही रहेगा 50% अंकों के साथ में सीटेट पेपर 2। तो यहाँ पर टीजीटी के लिए सभी सब्जेक्ट के लिए 26,250 सैलरी आपको मिलेगी। नेक्स्ट देखें, यहाँ कोई एग्जाम नहीं होगा आप लोगों का, केवल जो है वो आप लोगों का इंटरव्यू होगा। प्राइमरी टीचर्स पीआरटी के लिए यहाँ सैलरी 21,250 है और यहाँ 12th के साथ में 50% अंक आपके 12th में होने चाहिए। डीएड, बीएड, बीलेड, जेबीटी, ईटीटी, बीटीसी, डीटीसी, ठीक है, बहुत सारे जो है डिग्री डिप्लोमा धारी जो है यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं पीआरटी के लिए, 1 to 5 के टीचर्स बनने के लिए। सीटेट जो है वो पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी है, तो यहाँ सैलरी जो है वो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए जो है यहाँ पर 2 तरीके से मिलेगी। एक तो 1 to 5 के टीचर्स को, टीचर्स अगर यदि आप बनते हैं तो 21,250 आप लोगों को दिए जाएंगे। यदि आप यहाँ पर 6 क्लास से ऊपर की क्लासेस को यहाँ पर पढ़ाते हैं तो 26,250 आप लोगों को मिलेंगे। यहाँ पर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए भी कंप्यूटर साइंस की तरह ही डिग्री या डिप्लोमा वाले जो है यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी, काफ़ी वैकेंसी हैं इस स्कूल से आई है जो केंद्रीय विद्यालय फतेहगढ़ से। स्पोर्ट्स कोच, एथलेटिक्स, ताइक्वांडो, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल, तो यहाँ पर डिप्लोमा चाहिए आपका। एक्टिविटी आर्ट एंड क्राफ्ट कोच की भी आवश्यकता है, जहाँ पर भी डिप्लोमा मांगा गया है।
म्यूजिक एंड डांस कोच में भी बैचलर डिग्री इन म्यूजिक या डांस में होनी चाहिए। योगा टीचर्स की भी वैकेंसी है जहां 1 साल का जो है कम से कम 1 साल का डिप्लोमा और ग्रेजुएशन आपकी मांगी गई है योगा में। काउंसलर काउंसलर के लिए बीए या बीएससी साइकोलॉजी में आपने किया हो और साथ में डिप्लोमा होना चाहिए गाइडेंस या काउंसलिंग का। नेक्स्ट नर्स की वैकेंसी है जहाँ 3 ईयर डिप्लोमा या डिग्री नर्सिंग में चाहिए। उसके बाद है बाल वाटिका टीचर्स की भी जो है यहाँ पर वैकेंसी है प्री प्राइमरी टीचर्स की, जहाँ पर 12th मांगा गया है 50% अंकों के साथ और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, एनटीटी कोर्स होना चाहिए या डीईसीएड होना चाहिए या फिर बीएड नर्सरी भी अगर आपने किया है तो भी आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। तो यहाँ आपको जो है 21,250 जो है वो आप लोगों को बाल वाटिका टीचर्स के लिए मिलेंगे। स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी और अपर प्राइमरी यहाँ पर वैकेंसी है जहाँ 12th मांगा गया है, 2 साल का डीएड स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए। स्पेशल एजुकेटर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में भी जो है यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है, ग्रेजुएशन साथ में आपने बीएड किया हो स्पेशल एजुकेशन के साथ तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं। एज लिमिट जो है वो सभी के लिए कहा है 18 से 65 साल तक की उम्र जो है यहाँ पर रखी गई है। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में जो है वो पढ़ाने का रहेगा आप लोगों का। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इज डिजायरेबल फॉर ऑल द टीचिंग पोस्ट, सभी पोस्ट के लिए यदि कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्यूटर की नॉलेज आप लोगों को थोड़ी बहुत है तो जो है इंटरव्यू में जो है वो आप लोगों को थोड़ा बेनिफिट मिलता है, बाकी अगर नहीं भी है तो भी चलेगा। रिटन टेस्ट मे बी कंडक्टेड इफ नेसेसरी, अगर आवश्यकता हुई, वैसे तो यहाँ पर कोई भी परीक्षा नहीं होगी बट यहाँ लिखा है कि अगर जरूरत पड़ती है तो उसी वक्त जो है वो आप लोगों को पता चलेगा कि रिटन टेस्ट भी हो सकता है। ये ऐसी कंडीशन जब होती है जब स्टूडेंट की संख्या जो है बहुत ज्यादा हो जाती है, क्वालिफिकेशन जो है वो सेम रहती है। सेपरेट एप्लीकेशन मे बी सबमिटेड फॉर डिफरेंस पोस्ट, सीटेड नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट कैन अपियर इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी एंड पीआरटी। इन्होंने कहा है टीजीटी और पीआरटी में जिन स्टूडेंट ने सीटेट क्वालिफाई नहीं किया है वो भी इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। अगर सीटेट क्वालिफाई कैंडिडेट इनको नहीं मिलते हैं किसी पोस्ट के लिए तो यहाँ पर बिना सीटेट क्वालिफाई स्टूडेंट को ले लिया जाएगा। चेकिंग ऑफ इंटरव्यू डेट फ्रॉम द विद्यालय वेबसाइट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, तो कैंडिडेट जो है वो बिल्कुल एप्लीकेशन करने के बाद जो है इंटरव्यू की डेट के लिए लगातार जो है विद्यालय की जो वेबसाइट है उसको वॉच करते रहें, ठीक है। इसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नो इन्फॉर्मेशन शुड बी गिवन इंडिविजुअली, किसी भी कैंडिडेट को जो है वो बिल्कुल इंडिविजुअली यानी कि व्यक्तिगत तौर पर जो है कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। डेटेड फॉर इंटरव्यू कैन बी चेक्ड फ्रॉम 7 सितंबर टू 10 सितंबर, तो आप लोग जो है वो बिल्कुल चेक करते रहें, 7 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच तक जो है वो इंटरव्यू की डेट आप लोगों को पता लगेगी। कैंडिडेट हैव टू ब्रिंग अ कॉपी ऑफ देयर फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद ऑल रिक्वायर्ड मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो इंटरव्यू के समय जो है एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो बिल्कुल फिल करके अच्छे तरीके से और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आप लोगों के पास, मार्कशीट हैं सर्टिफिकेट हैं, तो सभी जो है लेकर आए ओरिजिनल और साथ में उनकी फोटो कॉपी। एप्लीकेशन फॉर्म इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट, तो वेबसाइट का लिंक जो है ये रहा, बाकी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही अनाउंसमेंट सेक्शन में दिखा ही दिया था कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है बिल्कुल आ चुके हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आर ओपन ऑन विद्यालय वेबसाइट फॉर अवर पोस्ट फ्रॉम 3 सितंबर टू 10 सितंबर, पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा विद्यालय की वेबसाइट पर और 3 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक जो है वो आप कर सकते हो। इंटरव्यू की डेट 7 से लेकर 10 सितंबर के बीच में आपको पता चल जाएगी। उसके बाद जो है बिल्कुल सारी चीजें जो है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। तो ये जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट रहेगा आप लोगों का, केंद्रीय विद्यालय रेना ऊंचा फतेहगढ़ साहिब, ये कहाँ है चंडीगढ़ में है, ठीक है। तो बायोडाटा फॉर द इंटरव्यू ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स, तो अभी परमानेंट टीचर्स की वैकेंसी जो है वो अभी नहीं आ रही है क्योंकि अभी तो पिछले ही जो है पीआरटी का भी जो है रिजल्ट रुका हुआ है, तो अभी तो इनके रिजल्ट ही आएंगे उसके बाद जो है इंटरव्यू चलेंगे फिर इनका सिलेक्शन होगा उसके बाद जो है परमानेंट वैकेंसी जो है वो आपको नजर आएगी। अभी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी है तो बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर जाना चाहिए इंटरव्यू के लिए क्योंकि जब परमानेंट वैकेंसी के समय जो इंटरव्यू होता है तो बिल्कुल वहां
पर बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। ऐसी ही जो अगर वैकेंसी आती है, अच्छी लेवल पर जो वैकेंसी आती है, तो बिल्कुल आप लोगों को चैनल के माध्यम से मिलेगी। पिछले वीडियोस भी आप देखिएगा, हो सकता है कि आपके जो है वो काम के वीडियो रहे हों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।